एवरीवन, चलो कुछ साइकोलॉजी बताने वाला हूँ आज। आप बहुत इंपॉर्टेंट आपको साइकोलॉजिकल बताने वाला हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। क्यों साइकोलॉजी बताने वाला हूँ? क्योंकि चार्ट अभी जो दिख रहा है उसी के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल है, वो चीज़ें बताऊंगा। अब देखो साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर करती है, सब कुछ चीज़ें बताऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा। बस आपको डिटेल्स में अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब साइकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिंपल होता है कि आपको देख कर ही अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल। अब यहाँ पर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या बोल रही है? एक ट्रेडर की साइकोलॉजी ये बोल रही है कि मार्केट यहाँ से 41,000 के आसपास से कहीं से मार्केट, जैसे एक राउंड एक फिगर बता रहा हूँ, 41,000 से मार्केट नीचे गिरते हुए आया है। और कल इसने जो आज का जो इसका लो जो मुझे दिख रहा है, मैं एक नॉर्मली अंदाजे से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट यहाँ पर कोई भी प्राइस नहीं दिख रहा हूँ, तो 39,250 तक आया, राइट। अब मार्केट आज का देखकर, अब मार्केट इतना नीचे गिरने के बाद बहुत से लोगों ने ये जो रैली हुई ना कल की, ये जो प्रॉपर रैली हुई है कल की, इस रैली में बहुत से लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा एंड ट्रेड मिस किया होगा। अब उनके माइंड में क्या चल रहा है कि मैंने अगर ट्रेड मिस किया है तो मुझे आज पैसा बनाना है कुछ भी करके। अब उनके माइंड में ज्यादा रहता है, उनके माइंड में क्या आने लगता है, पहला उनका माइंड क्या बोलने लगता है कि पैसा बनाना है, पैसा बनाना उनके माइंड में आने लगता है। लेकिन कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे बनेगा ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब ये आपको पता नहीं है कि कैसे बनेगा, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर क्रिएट होती है। मैं वही आपको बताने वाला हूं कि कैसे। जब भी कोई एक रैली हो जाती है बड़ी, जब भी कोई रैली हो जाती है, मार्केट हमेशा ही ऐसे गिरेगा नहीं। आज मार्केट जिन्होंने भी कल पैसा कमाया है, जिन्होंने कल कमाया है, उनका वापस लेने के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता जो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ट्रेड कब करना एंड क्यों करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्या जरूरी है? व्हेन एंड हाउ एंड वाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक ये समझोगे नहीं तब तक पैसा नहीं बनेगा। देखो ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई भी कर लेगा और कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं, यहां पर कोई भी इजिली ट्रेड कर सकता है। लेकिन क्यों करना, व्हेन कब करना, कैसे करना एंड कब करना एंड क्यों करना, ये जब तक आपके पास आंसर नहीं आएंगे आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। अब उसको पैसा बनाने के लिए क्या करना है? अगर मार्केट कल यहां से एक अच्छा सेलअप दिखाने के बाद, सब कुछ हटा देते एक बार, अगर मार्केट में कल अच्छा एक सेलअप दिखने के बाद, ये सेम सेलअप के बाद, क्या मार्केट ऐसे ही नीचे गिरेगा? इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, इसको बोलते हैं माइंडसेट। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं साइकोलॉजी लाओ, साइकोलॉजी लाओ, लेकिन साइकोलॉजी कहाँ से आती है? साइकोलॉजी आती है आपके चार्ट के साथ, साइकोलॉजी आती है आपने चार्ट के साथ साथ। मतलब ये देखकर ही मैं डिसाइड करूंगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर मेरे सामने चार्ट नहीं है तो क्या मैं साइकोलॉजी बिल्डअप कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए चार्ट को समझो। जैसे कि अब मार्केट अगर इतना सेलअप दिखा चुका है, कल कितना मार्केट सेलिंग प्रेशर में क्रिएट हुआ था, कल मार्केट में एक जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट की रैली कल मार्केट में हुई। अब आज यही रैली मार्केट में कंटिन्यू होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट चलता ही ऐसे नहीं है। आज क्या हो सकता है? आज मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम करेगा और आपके दबा के स्टॉप लॉसेस हिट करेगा। देखो वी डोंट नो, मुझे जो अभी दिख रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। अगर नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर अंदर कुछ अलग करेगा तो मैं मेरा मूड भी बदल दूंगा और मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो साइकोलॉजी मुझे दिख रही है, लेकिन आज तक मुझे जितना पता है, लास्ट 6 मंथ में मेरे पास पूरा डाटा होता है, लास्ट 6 मंथ का, उसके पहले पहले का भी डाटा है, लेकिन मैं लास्ट 6 मंथ का बता रहा हूं। लास्ट 6 मंथ में अगर मैंने कोई चीज आपको बताई है, मैं यूट्यूब पे भी तो बहुत कम बताया हूं, लेकिन इंस्टा पे मैं जो भी बताया हूं, 90% अबव, क्या बोल रहा हूं, अबव 90% मेरी एक्यूरेसी रही है कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं वर्कआउट करता है।
मैं भगवान नहीं बना इससे, लेकिन बस मार्केट को समझ रहा हूं। एंड ये आपको भी समझना चाहिए, आज मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करेगा एंड उसके बाद कंफ्यूजिंग सा क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि हमेशा याद रखो, इतना बड़ा सेलअप के बाद यहां पर कोई नए सेलर्स ऐड नहीं होंगे, नए सेलर्स यहां पर ऐड ऑन नहीं होंगे, ऐसे सेलर्स ऐड नहीं होते, पागल नहीं है यहां पर ऐड करने के लिए। अब जो जिन्होंने भी यहां पर पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं, जिन्होंने भी यहां पर पोजीशंस क्रिएट करके बैठे ये सारे लेवल्स पे, यहां पर सब सेलर्स बैठे हैं, जिन्होंने भी यहां पर पोजीशंस क्रिएट करके बैठे, अब वो एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलेगा उनको, क्योंकि ये सारे कॉल्स, ये जो सारे कॉल्स है ये क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, सारे कॉल शॉर्ट है। अब मार्केट बस इतना नीचे यहीं पर घूमता रहे, अभी थोड़ा बहुत भी ऊपर आ जाए फिर नीचे चला जाए, वो हमेशा हर एक केस में पैसा बनाने वाले हैं, हर एक केस में पैसा बनाने वाले हैं। यही आपको समझना है, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर, कि ट्रेडर कैसे माइंडसेट से काम करता है, ट्रेडर किस तरीके से सोचता है, ट्रेडर के साथ किस तरीके से चलना चाहिए। आप हमेशा 3 क्वेश्चन खुद को पूछा करो, हमेशा क्वेश्चन 3-1 क्या होगा, हाउ, कैसे ट्रेड करूं, सेकंड क्वेश्चन व्हेन, कब ट्रेड करूं, एंड थर्ड क्वेश्चन व्हाई, क्यों ट्रेड करूं। ये 3 क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, फिर आपका दिक्कतें क्रिएट होगी। मैंने आज लाइव मार्केट में आपको बता दिया कि आज किस तरीके से सिचुएशन है, आपको किस तरीके से माइंडसेट को लाना पड़ेगा। यही ट्रेडर की एक साइकोलॉजी होती है, एंड इसी तरीके से ट्रेडर माइंडसेट से अपने काम करता है। जब तक आपके पास ये नहीं आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अब देखो मुझे पता है कि मैंने क्या एनालिसिस किया, मुझे क्या करना है, लेकिन 95% लोग क्या करते पता है आपको, 95% ट्रेडर जो है ना वो क्या करते हैं, मुझे पता है क्या करना है, मुझे सब कुछ पता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मुझे ऐसे ही लैंग्वेज में मुझे कॉल्स आते रहते, सब कुछ मुझे आता है, क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे सब कुछ आता है फिर भी मुझे पैसा नहीं बनता, फिर भी पैसा नहीं बनता। तो अब क्या बोले इनको मुझे समझ नहीं आता है, क्या आपको पता है या नहीं पता है, कुछ आइडिया नहीं है मुझे, ऐसा तो मुझे सुनने में आता है। देखो सिंपल एक बात याद रखो, अगर आपको सब कुछ पता है तो उसका रिजल्ट सिंपल है कि पैसा बनना चाहिए, पैसा बनना चाहिए। अगर आपको सब कुछ पता होने के बाद भी पैसा नहीं बन रहा है तो आपको कुछ भी नहीं पता है, 0% आपको पता है, इतना सिंपल खुद को बोल रहा हूं। अगर कोई बोलता है मुझे आता है तो पैसा बनना चाहिए, अगर पैसा नहीं बन रहा है तो मतलब नहीं आ रहा, इतना सिंपल रखो। होप इसका साइकोलॉजिकल आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से प्लान करना है और किस तरीके से वर्कआउट करना है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होगी, ऐसे हर दिन में वीडियोस आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं। आपका कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चले जाओ। बाय बाय, टेक केयर।